पूरा विवरण मैंने उनसे सुना है। मैं अस्पताल में भी उन सभी मरीज से मिला हूं जो इस आपदा के कारण अनेक प्रकार की चोट के कारण बहुत ही मुसीबत का समय बिता रहे हैं। ऐसे संकट के समय जब हम साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितना उत्तम परिणाम मिलता है। उसी दिन सुबह ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी और मैंने कहा था कि हम हर प्रकार की व्यवस्था को मोबिलाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। मैंने हमारे एक एमओएस को भी तुरंत यहां भेजा था, चाहे एसडीआरएफ के लोग हो, एनडीआरएफ के लोग हो, सेना के लोग हो, पुलिस के जवान हो, स्थानीय मेडिकल के लोग हो या यहां के एनजीओज हो, सेवाभावी संस्थाएं हो, हर कोई बिना रुके तुरंत ही आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचने का प्रयास किया। जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन उनके सपने चूर चूर न हो जाए ये हम सबका सामूहिक दायित्व है और भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहां के पीड़ितों के साथ है। सरकार को जो कल मैंने हमारे इंटरनल मिनिस्टर्स की जो कोऑर्डिनेशन की टीम थी उनको भी यहां भेजा था, वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, आपके अधिकारियों से मिले थे और वे भी सारे चीजों को देख करके गए हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि वो एक पूरा डिटेल में मेमोरेंडम भेजेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं इन परिजनों को भी कि वे अकेले नहीं हैं इस दुख की घड़ी में, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या देश के जन जन नागरिक हो, हम सब उस संकट की घड़ी में उनके साथ हैं। सरकार ने जो नीति नियमों के तहत जो आपदा प्रबंधन के लिए राशि भेजते हैं उसका काफी हिस्सा पहले ही दिया हुआ है और भी हिस्सा हमने तुरंत रिलीज किया है और जैसे ही मेमोरेंडम आएगा तो बहुत ही उदारता पूर्वक इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए केरल सरकार के साथ भारत सरकार खड़ी रहेगी। और मैं नहीं मानता हूं कि धन के अभाव में यहां कोई काम रुकेगा। जहां तक जानहानि हुई है हमारे लिए इन परिजनों को फिर से एक बार, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, परिवार में सब कुछ खो चुके हैं, इनके लिए एक लंबे समय की योजना हम लोगों को बनानी होगी। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार उस पर भी विस्तार से करेगी और उसमें भी जो कुछ भारत सरकार अपना हाथ बटा सकती है वो बटाएगी।